हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है दोस्तों। इस समय महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। आपके परीक्षा फॉर्म फिल करने को लेकर आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की तरफ से कल दिनांक 1 फरवरी 2021 को ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कौन कौन से कोर्सेज के आपके जो परीक्षा फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं लाइव आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिए। इसके बाद एक और न्यूज है, उसमें भी एक अदर कोर्स के परीक्षा फॉर्म फिल करने के बारे में है। तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो में एंड तक बने रहें। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे ये कार्यालय गैप जो है। इसके बाद एक और न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिए, वो न्यूज भी आप देख लीजिए। उसमें भी कोर्स के बारे में परीक्षा फॉर्म फिल करने के संबंध में जानकारी दी गई है। सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि यूनिवर्सिटी की पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की जो मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र है, इनकी जो मेडिकल कोर्स के स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन फॉर्म है, वो 5 फरवरी 2021 से ऑनलाइन भरे जाएंगे। आप अपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस पर उपलब्ध होंगे छात्र निर्धारित परीक्षा शुल्क जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है पैरामेडिकल कोर्सेज के, वो यहाँ पर 5 फरवरी को वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अपना जो परीक्षा फॉर्म है उसे फिल करने की लास्ट डेट और एग्जामिनेशन शुल्क जो है उसे जमा करने की लास्ट डेट है वो 15 फरवरी रखी गई है। इसके साथ साथ आप देख सकते होंगे यहां पर बताया गया कि भरे गए परीक्षा फॉर्म को संबंधित महाविद्यालय द्वारा सत्यापित करने की जो अंतिम तिथि है वो 17 फरवरी है। चलिए इसके बाद एक और न्यूज आपको दिखाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो यहाँ पर BAMS के स्टूडेंट्स के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। मुख्य परीक्षा के जो आवेदन है वो 3 से रोहिलखंड विश्वविद्यालय की BAMS प्रथम द्वितीय चौथे वर्ष की मुख्य परीक्षा और प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथे वर्ष की पूरक परीक्षा जो 2020 के जो आवेदन पत्र है वो 3 फरवरी से शुरू होंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे पैरामेडिकल की न्यूज यहाँ नीचे दी हुई है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर BAMS से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स के परीक्षा फॉर्म भी यहाँ पर 3 फरवरी से फिल होना स्टार्ट होंगे, जिसके साथ ही जिन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। 16 को आवेदन पत्र महाविद्यालयों में जमा करने हैं, 17 को महाविद्यालय की ओर से आवेदन पत्र सत्यापित करने और 18 को आवेदन विश्वविद्यालय में जमा करने की आखिरी तारीख प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय भी महाविद्यालय जिन्होंने अब तक BAMS प्रथम वर्ष का डाटा विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराया उन्हें तत्काल डाटा भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके परीक्षा फॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। UGPG के परीक्षा फॉर्म बहुत जल्द यूनिवर्सिटी की तरफ से आने वाले हैं, प्राइवेट के परीक्षा फॉर्म भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।